कोरोना की दूसरी लहर को मात देने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुरजोर कोशिश की जा रही है। गांव-गांव जाकर गांव वासियों को कोरोना टेस्ट के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अगर कोई भी नागरिक कोरोना पॉजिटिव निकलता है उसे तुरंत आइसोलेट भी किया जा रहा है। उसके संपर्क में आए व्यक्तियों को कोरोना टेस्ट करवाने की सलाह भी दी जा रही है और उन्हें भी आइसोलेट होने के प्रति प्रेरित किया जाता है। इस मुहिम के चलते कंडाघाट के साथ लगती कई पंचायतों में मैपिंग की जा चुकी है। कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा उपलब्ध करवाया गया वाहन इस अभियान में बेहद काम आ रहा है, जिसके तहत टेस्ट की सुविधा घर द्वार पर दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम कंडाघाट के ग्राम पंचायत सकौड़ी पहुंची और यहां गांव वासियों के टेस्ट किए गए। ग्राम पंचायत सकौड़ी के प्रधान सुरेश कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम उनकी पंचायत में पहुंची है। उनके द्वारा करीब 100 गांव वासियों के टेस्ट भी किए गए, जिसमें एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकला है। उन्होंने कहा कि जब भी स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव आ रही है तो गांव वासियों की निडरता के साथ अपना टेस्ट भी करवाना चाहिए, ताकि रोग का सही इलाज मिल सके और कोरोना संक्रमण गांव में फैलने से रुक सके। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य खंड सियारी विभाग के देवेंद्र शर्मा, करमचंद और आशा वर्कर इस मुहिम को सफल बनाने में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए उनकी पंचायत उनका धन्यवाद करती है। आज स्कोड़ी पंचायत में CAC द्वारा जो घर घर जाकर टेस्टिंग करवाई गई, उसके लिए मैं हेल्थ डिपार्टमेंट का और उनके साथ आई पूरी टीम, श्री अश्विनी कुमार जी और हेल्थ सेंटर से जो देवेंद्र शर्मा जी और उनके साथ करण सिंह जी और साथ ही आशा वर्कर जी, जिन्होंने आज पूरे स्कोड़ी पंचायत का दौरा करके घर घर जाकर टेस्टिंग करवाई। और आज हमारी पंचायत में लगभग 100 लोगों का टेस्ट कराया गया, जिसमें एक पॉजिटिव आए हैं। और मेरा साथ ही मैं हेल्थ डिपार्टमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुहिम जो सरकार द्वारा चलाई गई है, लोगों से आग्रह करूँगा कि यो इस टेस्टिंग के लिए बढ़ चढ़ कर इसमें भाग ले और अपनी पंचायत को कोरोना मुक्त बनाने में पूरा सहयोग दे। साथ ही मैं और अन्य पंचायतों का भी निवेदन करता हूं कि वो भी इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर भाग ले, ताकि पूरे जो कोरोना महामारी इस टाइम पूरे प्रदेश में है उसे बचा जा सके।